इस वक्त जेम्स स्पेस टेलीस्कोप सबसे एडवांस है। साइंसदान इस टेलीस्कोप से और कई दूसरे टेलीस्कोप से कायनात में एलियंस को फाइंड करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक हमारी कायनात इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें हम अकेले नहीं हो सकते। इसमें कई ऐसे सियारे होंगे साइंसदानों के मुताबिक जिन पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। साइंसदानों ने कई ऐसे सियारे फाइंड किए हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं, जिन पर पानी मौजूद हो सकता है, लेकिन साइंसदानों को नहीं पता कि वहाँ लाइफ है या नहीं। आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि साइंस के इतने ज्यादा एडवांस होने के बावजूद भी वो कायनात में लाइफ का एक भी सबूत नहीं फाइंड कर पाए। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि क्या कायनात में लाइफ है भी या नहीं। इसका जवाब हम कुरान पाक से जानते हैं। इस सूरह की आयत नंबर 29 में अल्लाह शाह फरमाता है, उसने जमीन और आसमानों में अपने मखलूक को फैला दिया और अगर वो चाहे तो इनको आपस में मिला सकता है। यानी सात आसमानों में अल्लाह की मखलूक फैली हुई है, जिसका साफ साफ मतलब है कि हम जिस जमीन पर रहते हैं उस जमीन के अलावा भी कायनात में और मखलूक आबाद है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और अल्लाह ये भी फरमाता है कि अगर वो चाहे इनको आपस में मिला सकता है, यानी आसमानों में जितनी भी मखलूक है अल्लाह उन सबको मिला सकता है और अल्लाह सब मखलूकों को क्यामत वाले दिन इकट्ठा करेगा। हमारी कायनत में इतने ज्यादा सियारे हैं कि इंसान सोचता है कि इनमें से किसी न किसी सियारे पर लाइफ मौजूद हो सकती है, लेकिन अभी ऐसा सियारा कहाँ है इसके बारे में हमें नहीं पता। अभी तक साइंसदानों ने जितने भी सियारों को फाइंड किया है उनमें से दो सियारों ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इनमें पहले सियारे का नाम है TOI-1452b। इसे कुछ माह पहले फाइंड किया गया था। इस सियारे को टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप ने फाइंड किया है। ये सियारा हमारी जमीन से 100 लाइट ईयर दूर एक डबल स्टार सिस्टम में मौजूद है। इस सियारे का साइज हमारी जमीन से 1.6 गुना ज्यादा हो सकता है, जो अपने स्टार को 11 दिनों में ऑर्बिट करता है। और ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जिसकी वजह से साइंसदानों को लगता है कि यहाँ पानी का समुन्दर हो सकता है जैसे हमारी जमीन पर है। लेकिन ये सियारा दो स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इन दो स्टार्स की वजह से इस सियारे पर बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ सकती हैं, जिसका असर इस सियारे के मास पर भी होता होगा। एक स्टडी के मुताबिक ये सियारा हमारी जमीन से 4.8 गुना ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर हमारी जमीन जितना डेंस हो सकता है। इस सियारे की डेंसिटी 5.6 सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि जमीन की डेंसिटी 5.7 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब है कि आज तक हमने जितने भी सियारों को फाइंड किया है उन सभी सियारों में से इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है, जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, इसका मास है। खला में बहुत सारे ऐसे सियारे होते हैं जिनका साइज तो बड़ा होता है लेकिन उनका मास कम होता है, जिसका मतलब होता है कि वो एक गैसीय सियारा है। लेकिन बहुत सारे सियारे ऐसे भी होते हैं जिनका साइज तो छोटा होता है और उनका मास ज्यादा होता है, जिसका मतलब होता है कि उस सियारे की जमीन ठोस है। और साइंसदान का कहना है कि इस सियारे की जमीन भी ठोस है और इस बात के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसमें समुंदर भी हो सकता है, क्योंकि ये सियारा अपने स्टार से उतनी दूरी पर मौजूद है। यहाँ टेम्परेचर ना ज्यादा है और ना कम है, बल्कि उतना टेम्परेचर है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। ये बात इस सियारे को अब तक डिस्कवर होने वाले सभी सियारों से खास बनाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसका समुंदर हमारी जमीन के समुंदर से 30 गुना ज्यादा बड़ा होगा। आज भी सियारे को टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया जा रहा है और इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से भी स्टडी किया जाएगा। अभी की इन्फॉर्मेशन से ऐसा ही लग रहा है कि ये सियारा जमीन जैसा हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं रोज 508b की। इसका साइज हमारी जमीन से बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से इसे सुपर अर्थ कहा जा रहा है। ये जमीन से 37 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसके ऑर्बिट की वजह से ये सियारा बहुत खास बन जाता है। एक वक्त में ये ऑर्बिट करते हुए अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में दाखिल होता है और फिर थोड़ी देर बाद ये बाहर आ जाता है। जब ये हैबिटेबल जोन में होता है तब साइंसदानों के मुताबिक इसमें पानी मौजूद होता होगा, और जब ये हैबिटेबल जोन से बाहर निकल जाता है तो वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है।
ये बात इस सियारे को बहुत खास और अजीब बनाती है। ये सियारा अपने स्टार को 11 दिनों में ऑर्बिट करता है। ये जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है। इसका साइज जमीन से 4 गुना ज्यादा बड़ा है और इस सियारे ने साइंसदान को बहुत ज्यादा हैरान किया है। और ये पहला ऐसा सियारा है जिसे इंफ्रारेड लाइट की मदद से डिस्कवर किया गया है। और अब इस सियारे को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से अच्छी तरह से स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त यह बहुत ज्यादा एडवांस इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जिसका मतलब है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ऐसे और सियारों को फाइंड किया जा सकता है, खासतौर पर वो सियारे जो बहुत ज्यादा डिम है, जिनको किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इंफ्रारेड लाइट के जरिए उनको देखा जा सकता है। इस तरह की डिस्कवरी खासतौर पर रेड ड्वार्फ स्टार्स के गिर्द होती है, और अब तक जितने भी सियारे डिस्कवर हुए हैं वो सब रेड ड्वार्फ स्टार के गिर्द ऑर्बिट कर रहे थे, क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में 90% रेड ड्वार्फ स्टार्स मौजूद है, लेकिन साइंसदानों की स्टडी के मुताबिक सूरज जैसे जी टाइप स्टार्स बहुत कम है। अब तक जितने भी सियारों को फाइंड किया गया है उनमें से ज्यादातर के स्टार्स रेड ड्वार्फ हैं। अब जो सियारे डिस्कवर हुए हैं, अगर यहाँ पर वाकई में पानी मौजूद है तो फिर इनमें लाइफ भी मौजूद हो सकती है, और इस लाइफ की वजह से इस सियारे पर फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होगा जिससे ऑक्सीजन बनेगी। इसके अलावा आज से कुछ माह पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने K2-18b पर एक ऐसी गैस को फाइंड किया जो जमीन पर सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदार ही खारिज करते हैं, और इस सियारे पर ऐसी गैस के मिलने का मतलब है कि वहाँ कोई ऐसी जिंदा चीज मौजूद हो सकती है जो उस गैस को खारिज कर सकती है, और ये साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। लेकिन वो गैस किस चीज से खारिज हो रही है, साइंसदानों के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन अब तक की ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इन दोनों सियारों पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज एक बार फिर से मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अल्लाह की अजीम कायनात इतनी बड़ी है कि इसमें छुपे राजों के बारे में जानकर दिल अल्लाह अकबर कहता है, और अगर आपका दिल भी अल्लाह अकबर कह रहा है नीचे कमेंट्स में अल्लाह अकबर लाजमी लिखें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।